हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें एक हमारा पार्ट छोटा सा बचता है वेक्टर का इंटीग्रेशन किस तरह करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर इंटीग्रेशन जानने के पहले थोड़ा सा एक बात ध्यान दें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको सबसे इम्पोर्टेंट वो जानना जरूरी है। ठीक है, अगर वो आ रहे होंगे तो फिर क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर पाओगे आप। जरा पहले देखें, सबसे पहले एक सिंपल सी बात करते हैं, तीन रिजल्ट यहाँ पर अपने को पढ़ने, वो तीनों रिजल्ट एक एक करके आपको हम बताते हैं। लेकिन एक बात थोड़ा समझो आप, अगर कभी क्वेश्चन में आपने किसी पढ़ी होगी, कहीं पे लिखा हो कि d by dx of x square, आप इसको क्या लिखते हो, 2x, और यदि इसी पार्ट का इंटीग्रेशन कर दें इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा, ये x square by 2, 2 से 2 कैंसिल जाएगा, प्लस क्या लिखो, कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। यानी कि बड़ा क्लियर है कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर जितना आएगा, अगर हम उसका इंटीग्रेशन करें तो हमको फिर से वही टर्म मिल जाता है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन जोड़ करके इसको मिल सकते हैं। अब हम तुम्हें तीन रिजल्ट यहां बताते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट से रिजल्ट है, ध्यान देना सब लोग। सबसे पहला रिजल्ट था कि यदि आपसे बोले चलो वेक्टर आर लिखा है, इसका स्क्वायर था, जरा इसको विद रिस्पेक्ट टू आप टी डिफरेंशिएट कर दो, तो आप कहोगे सर ये आएगा टू वेक्टर आर और यहां आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी। अब अगर हम इसको बोले आप जरा इंटीग्रेट करो, अब देखो अगर हम इसको डायरेक्टली आपसे पूछते हैं थोड़ा सा आपको दिक्कत होती कि सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करा जाएगा। कभी क्या बताया कि जिस पार्ट का डिफरेंशियल करेंगे जितना है उसको इंटीग्रेट करने पर फिर से वही वैल्यू आएगी, यानी यहाँ कितना आ जाएगा आपको, ये आएगा वेक्टर आर का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा सी। तो फर्स्ट रिजल्ट दिमाग रखना कि 2r dr by dt का इंटीग्रेशन होता है r स्क्वायर प्लस सी, ये फर्स्ट रिजल्ट तुम्हारा इसका ये हो गया। ठीक है, इसके जरा सेकंड रिजल्ट देखें किस तरह से करना, ध्यान देना सब लोग जरा इसका। देखो सेकंड रिजल्ट ये था, यदि कहीं लिखा है डी बाई डी टी ऑफ डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करो तो आप बोलोगे ये आएगा 2dr by dt और इनटू आएगा d2r by dt स्क्वायर, भाई को इसका डिफरेंशिएशन करो अगर विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2dr by dt आएगा, dr by dt का डिफरेंशिएशन d2r by dt स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसको कहें विद रिस्पेक्ट टू आप इंटीग्रेट करो तो इसका इंटीग्रेशन आएगा dr by dt का होल स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा c। जानना सेकंड रिजल्ट भी इसका इंपॉर्टेंट है, कभी ऐसे टर्म अगर इंटीग्रेशन लिखा है उसका dr by dt का होल स्क्वायर प्लस c बन जाएगा। और जो इसका थर्ड रिजल्ट यहां पर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, देखो सब लोग ध्यान देना, डी बाई डी टी ऑफ, अगर कहीं लिखा है आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, चलो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ध्यान दो, जब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो हमने कहा था जब कभी ए क्रॉस बी लिखा हो तो वहां पर ए क्रॉस बी को फर्स्ट सेकंड मानकर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक, तो देखो जरा करो डिफरेंशिएट, जरा इसको पहले आर का डिफरेंशिएशन लिखो, ये आएगा डी आर बाई डी टी, ये भी आएगा डी आर बाई टी प्लस, अब आर को ऐसे लिखा रहने दो और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बहुत बड़ा बात है, इसका डिफरेंशिएशन इतना पूरा आया लेकिन देखो ध्यान से ये जीरो हो जाएगा, क्यों, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो बड़ी सिंपल बात अपने पास आई कि हमारे पास इसका डिफरेंशियल इतना आया, जब हम इसका इंटीग्रेशन अब करेंगे तो कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन करें तो आर क्रॉस डी आर बाई डी टी आ जाएगा ना, ये आ जाएगा आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी आएगा और प्लस आ जाएगा सी। तो ध्यान देना, जो हमने कहा ना ये इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है वो तो ठीक है, इसको डिफरेंस करके इससे लाए कि आपको समझ में आए कि किस तरह से वैल्यू बन रही थी। फर्स्ट रिजल्ट ये था, सेकंड रिजल्ट ये था, थर्ड रिजल्ट एक्चुअली ये है अपने पास। तो तीन रिजल्ट हमने बताया यहाँ पर, तो इन तीनों रिजल्ट को दिमाग में रखना आप, ये मतलब रिजल्ट नंबर थर्ड ये है आपको इतना, ये थर्ड रिजल्ट है, ऐसे यहाँ पर सेकंड रिजल्ट ये है इतना, क्या है ये रिजल्ट थर्ड, ये सेकंड रिजल्ट हो गया और ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया, क्लियर। तो हमारे पास कुल मिलाकर के ये हमारे पास इतना रिजल्ट है, तो क्वेश्चन इसका रिजल्ट का यूज कैसे करना है, ध्यान दो, सिंपल एक क्वेश्चन लिखते हैं आपको, एक प्रॉब्लम लिखते हैं, एग्जांपल वन, इंटीग्रेट, आपसे बोले चलो इसको इंटीग्रेट करो, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू लिखा है माइनस एन स्क्वायर वेक्टर आर, चलो इसको जरा इंटीग्रेट करो। अगर वहां से बोले इसको इंटीग्रेट करो आप कहोगे सर इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टी कर ले, कोई दिक्कत है, डी आर बाई डी टी आएगा, चलो भाई इसको करो इंटीग्रेट कितना आएगा, अब देखो ये इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं हो रहा, जबकि आर देखो फंक्शन टी का ही हुआ होगा, आर बराबर टू टी स्क्वायर टी क्यूब ऐसा कुछ रहा होगा ना, तो यहां भी टी का फंक्शन है बट पता नहीं कितना, अगर होता तो इंटीग्रेट कर लेते। तो अब सोचो इसमें क्या करें जिससे हम इंटीग्रेशन को कर पाए, जरा ध्यान देना सोल्यूशन कैसे करेंगे इसको, देखो गौर से, देखो ये लिखा है डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, देखो यहां देखो लिखा है डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, यानी इसमें टू डी आर बाई डी टी यहाँ होता तो इंटीग्रेट हो जाता, और ऐसे देखो यहां पर आर लिखा है, आर ये लिखा है इसमें टू डी आर बाई टी, यानी क्या करो इस पूरी क्वेश्चन में दोनों तरफ 2dr by dt से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई
2 dr by dt, then integrate with respect to t. Then integrate with respect to t. चलो करो भाई देखो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो. देखो ये आ गया 2 dr by dt इंटू डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर. इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी. यहां देखो माइनस एन स्क्वायर बाहर और ये भी बन गया 2r dr अपॉन dt. इसका भी इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू टी. ठीक है. अच्छा अब हमको आप बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना आया. इसका इंटीग्रेशन आ गया dr अपॉन dt का होल स्क्वायर और ये आ गया माइनस एन स्क्वायर. ये आ गया वेक्टर r का स्क्वायर और प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c. अब ध्यान से देखो अगर आप dr by dt निकालना चाहोगे तो अंडर रूट ले लो उसका सोल्यूशन आ गया. ठीक है. यानी यहां से आपको मिल गया कि dr by dt हमें निकालना था. ये आ गया अंडर रूट c माइनस एन स्क्वायर आर स्क्वायर. ये इसका आंसर हो गया. तो आपने देखा अगर ये रिजल्ट अपने को नहीं पता होते तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था. ठीक है. तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर यहाँ हो गया वन. ठीक. अब जरा इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिनपे बेस कुछ बारी एक्सरसाइज पूरी दी गई है. ठीक है. तो देखिए अगला एग्जांपल देखेंगे. इसको आप जरा देखने नोट कर लेना. ये तुम्हारा हुआ बस इसका. जरा देखें अगला. एग्जांपल नंबर टू. देखो ये था फाइंड वेक्टर आर. इसको क्वेश्चन लिख दे रहे पूरा यहां पर आपको. फाइंड वेक्टर आर. आप वेक्टर आर का मान निकालोगे सेटिस्फाइंग द इक्वेशन डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू दिया आपको वेक्टर ए. ठीक है. यहां पर जो वेक्टर है वो कांस्टेंट वेक्टर दिया गया है. वेयर वेक्टर ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर. ठीक है. कांस्टेंट वेक्टर और आल्सो गिवन दैट क्या दिया. देखो जब इसका आर निकालना होगा तो आपको इंटीग्रेशन करने पर डी आर बाई डी टी भी मिलेगा आर भी मिलेगा. तो जब इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन जुड़ेगा. उसके लिए कुछ वैल्यूज आपको दी हैं कि आर इक्वल टू जीरो कॉमा डी आर बाई डी टी इक्वल टू दिया यू एट टी इक्वल टू जीरो. ठीक है. तो ये आपको क्वेश्चन में इतना गिवन है. अब आप इसका आर का मान निकालो कितना आएगा. देखे सब लोग कैसे निकलेगा सोल्यूशन देखेंगे. सबसे पहले आपको जो गिवन वो लिख लिया आपने कि डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू दिया आपको वेक्टर ए. अब देखो अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करेंगे तो डी आर बाई डी टी आएगा. ठीक है. इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी तो लिख लिया हमने इसको. यह आ गया डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर और इसको जरा हमने विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट किया तो यहां भी आ गया ए डी टी ठीक है. इसको इंटीग्रेशन कितना आया. इसका इंटीग्रेशन आ गया डी आर बाई डी टी और ये आ गया वेक्टर एटी और प्लस को मान लो सी वन. अब ध्यान देखो डी आर बाई टी कितना दिया यू और टी कितना है जीरो. टी पर टी इक्वल टू जीरो लिख दोगे एट टी इक्वल टू जीरो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू दिया था आपको यू. ठीक है. ये रख लो जरा इसमें रखो यहां पर रखा हमने यू ए जीरो हो गया सी वन. सो सी वन की वैल्यू कितनी आ गई वेक्टर यू. इसको उठा वापस यहां पुट कर लो तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू आ गया ए टी प्लस यू. चलो इसको अगेन दोबारा एक बार फिर से इंटीग्रेट हो तो आपको आर मिल जाएगा. इंटीग्रेट अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी विद रिस्पेक्ट टू टी. देखो यहां से कितना आएगा जब इसको आपने इंटीग्रेट किया डी आर बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी. यहां लिखा ए टी प्लस यू और इसको भी इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टी तो बताओ ये कितना आया. ये आ गया वेक्टर आर. यहां पर कितना आएगा ए टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस कितना हुआ यू टी और प्लस क्या हुआ सी टू. क्लियर. इतना आ गया. अब एक बात देखो आर यहां पर जो लिखा गया था क्वेश्चन में आर की वैल्यू कितनी थी जीरो टी बराबर जीरो तो एट टी इक्वल टू जीरो लिख देना एट टी इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू दिया है जीरो. चलो जीरो रखो इसमें जीरो 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 तो यहां से मिल गया सी टू इक्वल टू जीरो. इस तरह से वेक्टर आर की वैल्यू हमें निकालनी थी वो मिल गई अपने को ए टी स्क्वायर बाई टू प्लस यू टी प्लस आ गया यू टी. ये हमारे पास आंसर आ गया कि वेक्टर आर कितना होगा.
मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को क्वेश्चन ये। तो कभी भी इस तरह कोई क्वेश्चन दिया जाए जिसमें डी टू आर बाई डी स्क्वायर गिवन हो और आपको क्वेश्चन में कहा जाए वेक्टर आर निकालो, उसको हम दो बार क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे फिर सोल्यूशन इजिली निकाल पाएंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर टू था। इसका एक एग्जाम्पल नंबर के बाद जरा थ्री नंबर देखें कैसे करना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस तरह के अपने चार पांच क्वेश्चन आपको पूरी एक्सरसाइज में दिए कहीं भी करोगे यार आप इसको। ठीक, देखें अगला क्वेश्चन क्या था। एग्जाम्पल नंबर थ्री देखें, थर्ड नंबर एग्जाम्पल में आपसे कहा गया है कि वेक्टर आर टी इक्वल टू दिया है 5t स्क्वायर i प्लस था टी जे माइनस टी क्यूब के माइनस था टी क्यूब के। ठीक है, प्रूव दैट। क्या प्रूव करने को बोला गया कि लिमिट इज 1 to 2 r क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, ध्यान देना डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, और इसका हमें इंटीग्रेशन चाहिए था। ये चाहिए सॉल्यूशन करने पर -14i प्लस 75j माइनस था 15k। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, ये जो हमें पार्ट चाहिए था किस तरह करें सॉल्यूशन कैसे करें इसका ध्यान दो। अगर तुम सब लोगों को थोड़ा सा याद हो, अभी तुमको हमने तीन रिजल्ट लिखवाए थे, तो तीसरा रिजल्ट जब लिखवाए उसमें ये था, वी हैव आर क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। इसका अगर हमने इंटीग्रेशन किया था अभी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, बोलो ठीक, यही तो आई थी ना। और यहां पे लिमिट अब कितना दिया है 1 से 2, तो यहां पे लिमिट कितना आ गया 1 से 2। पता है लिमिट जब भी दी होगी तो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन नहीं छोड़ेगा, डेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए, पहली चीज। दूसरा ये, हम अगर इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करते हैं, काफी लंबा क्वेश्चन होता है, देखो आर दिया है, इसका डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर निकाल के फिर उसका हम क्रॉस निकालते हैं, आई जे के डिटरमिनेंट बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, यहां रखते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर लिमिट लगाते हैं, सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा इजी इसलिए हो गया कि आपको ये पता है रिजल्ट कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि आर क्रॉस डी आर बाई डी टी होता है, तो उससे फायदा क्या मिला, इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, सॉल्यूशन आ गया डायरेक्टली, और सिर्फ डी टू आर बाई डी स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, सीधा क्रॉस निकाल लो बस आप, सॉल्यूशन बन गया। देखो कैसे करेंगे, गिवन क्या था अपने को, आर टी पता है, आर वेक्टर पता है कि 5t स्क्वायर i प्लस टी जे माइनस टी क्यूब के, ये पता है अपने को क्वेश्चन में। यहां पर आई जे के ध्यान में यूनिट वेक्टर्स हैं, लिखा नहीं हुआ है, यहां पर आई जे के कैसे हैं यूनिट वेक्टर्स हैं। फिर देखो अब क्या करना है क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसका डी आर बाई डी टी यहां से निकालते हैं। देखो लिखे डी आर बाई डी टी, ये आएगा 10t i प्लस जे माइनस 3t स्क्वायर k, आ गया। अब क्या करना है इसका, हमें क्या बताया था आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, ये जरा निकालो कितना आएगा, तो लिखा हमने आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, आपको पता है डिटरमिनेंट बनाएंगे, लिखेंगे आई जे और यहां लिख लेंगे के। देखो आर का मान रखो, आर की वैल्यू थी 5t स्क्वायर t माइनस टी क्यू, यहां लिखो 10t, यहां पर 1, यहां लिखो माइनस 3t स्क्वायर। अब इसका सोल्यूशन करके देखो कितना आ रहा है, सोल्व करें जरा इसको, देखो पहले लिखेंगे आई इंटू, ध्यान दो कितना आया, लिखे माइनस 3t क्यूब प्लस टी क्यूब, तो आ गया -2t क्यूब। फिर लिखो माइनस जे, जब माइनस जे करो देखो -15t की पावर 4 और +10t की पावर 4, तो आएगा -5t की पावर 4, और प्लस के लिख लो कितना आ रहा है 5t स्क्वायर माइनस 10t स्क्वायर, तो -5t स्क्वायर बन गया। ठीक, यानी कुल मिलाकर के ये बड़ा क्लियर कि इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, हमको चाहिए क्या था, यही चाहिए था लिमिट 1 से 2 पे लगा लो। देखो ये रखे जरा यहां पर हम आर क्रॉस डी आर बाई डी टी लिमिट इज 1 to 2 -2t क्यूब i प्लस 5t की पावर 4 j और -5t की t स्क्वायर और ये आ जाएगा k, है ना, तो प्लस लिखो माइनस यहां लिख लो। अब जरा देखो इसको क्या करो, लिमिट जरा रख लो, जरा लिमिट रखो 1 से 2, यहां लिमिट 1 से 2, तो को 2 रखना है टी में पहले, ध्यान देना 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब 1, तो 8 माइनस 1 कितना हुआ 7, तो -2 × 7 कितना बन गया -14i प्लस देखो 2 की पावर 4 16, 16 और 1 की पावर 4 1, तो 16 माइनस 1 15 आ गया, तो 75 जे आ गया। ऐसे यहां देखो 2 की पावर
टू यानी फोर, फोर माइनस वन कितना हुआ थ्री, तो आ गया माइनस फिफ्टीन के आ गया। इस तरह से आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया सॉल्व करने पर, जो आपको रिजल्ट चाहिए था वो निकल आया। क्लियर? तो ध्यान यहाँ पर आईजे के यूनिट वेक्टर्स है, तो आप सोचते करोगे। ये हमारे पास था एग्जाम्पल नंबर थ्री का। और एक लास्ट क्वेश्चन को और बताते हैं, जिस क्वेश्चन यहाँ पे जब करोगे सोल्यूशन आपको मिलेगा। एक लास्ट प्रॉब्लम इसको जल्दी से देख ले क्या था, फिर आप क्वेश्चन लगाओगे इसे कि सारे क्वेश्चन में कर पाओगे, कोई दिक्कत है नहीं, सभी क्वेश्चन जैसे दिए गए। ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको ना कि आप इसको उस तरह मत करना, सिंपल इसका इंटीग्रेशन जब पूछा जाए तो सीधे डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर लो। आपको ये टर्म चाहिए यानी आर पता है, डीआर बाई डी पता है, आप निकाल लो, लिमिट लगा लो, सॉल्व कर लो। देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर फोर और देखिए कैसे करा गया। एग्जाम्पल फोर लिखा था, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, आपको किसी पार्टिकल एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन है। एक्सेलरेशन सबको पता है क्या होता है ना, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी इज ई की पावर टी आई, ई की पावर टू टी जे, और यहां पर था प्लस के। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी इस क्वेश्चन में निकालनी है, जबकि गिवन आपको था वेयर वेलोसिटी वी इज इक्वल टू दिया है आई प्लस जे एट टी इक्वल टू जीरो। देखो इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे दिए। सर एक बात आओ, जब सोल्यूशन आप करोगे इस क्वेश्चन में, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है एक्सेलरेशन, यानी गिवन ये था डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है आपको ई की पावर टी आई, ई की पावर टू टी जे, और प्लस लिखा है के। ठीक, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। यहां पर आई जे के हमारे कैसे यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा देखो करना क्या, क्वेश्चन में वेलोसिटी निकाली, जिसको अगर एक बार इंटीग्रेट कर दे तो डी आर बाई टी निकल आएगा, है ना, डी आर बाई टी आएगा, वही हमारी वेलोसिटी होगी। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेट करो इसको, तो ये आ गया डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, यहां भी करो ई की पावर टी आई, ई की पावर टू टी जे और प्लस के। ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी जरा पूरे टर्म को इंटीग्रेट करो आप। देखो ये तो बन गया अपने पास डी आर अपॉन डी टी, ये क्या बना ई की पावर टी आई बन गया, ये क्या बनेगा ई की पावर टू टी जे अपॉन टू बन जाएगा, और प्लस बनेगा टी के, इतना बन जाएगा, प्लस आएगा सी वन। अब ध्यान दो, सी वन का मान निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्वेश्चन में आपको इतनी चीजें गिवन है कि वेलोसिटी, ये क्या चीज लिखी है वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको दी है कितनी आई प्लस जे, टी बराबर जीरो रख दो, प्लस और प्लस सी वन। ठीक है, देखो ये वन आ गया, ये आ गया आई प्लस जे इक्वल टू आई प्लस जे बाई टू प्लस सी वन, तो आई से आई कट जाएगा, जे बाई टू इधर आएगा, तो कितना आएगा सी वन का मान, सी वन यहाँ कितना आ गया जे बाई टू आ गया सी वन का मान। अब ध्यान दो सी वन का मान जे बाई टू जो मिला उसको उठा के पुट कर दो आप इसमें। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन वन था हमारे पास, इसमें रख देंगे पुटिंग वन, तो जब वन में आपने रखा तो आपको जो चाहिए था मिल जाएगा। ये आपका आंसर इसका आ गया कि वेलोसिटी इज यानी कि डी आर बाई टी इक्वल टू ई की पावर टी आई आ जाएगा। अच्छा देखो सी वन का मान अगर जे बाई टू रखते हो तो ये भी तुम्हारा जे बाई टू लिखा है ना, कितना आ जाएगा ई की पावर टू टी प्लस वन और जे अपॉन टू और प्लस आएगा टी के। ये हमारा इसका आंसर हो गया, इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। क्लियर? तो देखो ये हमारे पास आ गया एग्जाम्पल नंबर फोर। मेरे ख्याल से लगभग जितना क्वेश्चन एक्सरसाइज इंटीग्रेशन आपको दिया है वो तो तुमको मैं हर तरह के प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस कर दिए। अब आपके एक आध क्वेश्चन होंगे पहले ऑलरेडी कर चुके हो, एग्जाम्पल्स दिए होंगे, उन्हें आप और कम्प्लीट कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका वेक्टर्स का इंटीग्रेशन करोगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम एक करके करेंगे। ग्रेडियंट एक दिन लेंगे, दिन है ना, एक एक करके ले लेंगे सारे तीनों टॉपिक आपके। चलो इतना कंप्लीट करो, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।